और क्लीन के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट सीरीज आप तक डीआरई क्षेत्र की कहानियाँ लाने के लिए शुरू किया है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ है राहुल मोराल जी अकीस्टा से। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते। तो मैं सीधा हमारे सवालों से शुरुआत करता हूँ राहुल जी, कि मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपकी कंपनी अकीस्टा क्या काम करती है? पहले नमस्ते। हम अकीस्ता अभी इंडिया में 2-3 साल हो गए हैं जब से हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। हम लोग का मेन फोकस रीजन है, फोकस एरिया है एग्रीकल्चर। डीआरई इन एग्रीकल्चर मतलब डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए। अभी हम लोग का फोकस नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन्स में है इंडिया के, जहाँ पे थोड़ा, जैसे आपको पता होगा अकीस्ता का फ्लैगशिप प्रोडक्ट वर्षा पंप है, जो एक हाइड्रो पावर्ड पंप होता है। इसका मतलब ये पानी का बहाव को इस्तेमाल करके, इससे ऊर्जा नहीं बनाती मगर यही बहाव का प्रेशर यूज करके पानी को दूर तक पंप करती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए हो या डोमेस्टिक यूज के लिए हो। तो अभी तक तो हम लोग का यहाँ पे इंडिया में यही है रोल इन एग्रीकल्चर एंड पार्शियली इन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में भी है, हम लोग का डोमेस्टिक यूसेज के लिए भी यूज किया जाता है। वर्षा पंप और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में, यही है अकीस्ता का काम इंडिया में सो फार। जी, और आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो शुरुआत हुई हमारे कंपनी तो इंडिया में 2018 में शुरू हुआ, 2018 का एंड में, अक्टूबर नवंबर में। मगर अकीस्ता बीवी जो पेरेंट कंपनी है हम लोग की, वो 2013 से ऑपरेशंस में है, बेस्ड आउट ऑफ नेदरलैंड्स है। तो कंपनी की शुरुआत हम लोग की उससे भी पहले की बात है कि जो फाउंडर्स थे हम लोग के कंपनी के, मिस्टर प्रताप थापा, लेनर्ड बुडलमैन और फ्रेड हेनरी, जो ओरिजिनल फाउंडर्स है ऑफ अकीस्ता बीवी। तो ये वो लोग बैचमेट्स थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, एक साथ अपने मास्टर्स कर रहे थे। प्रताप थापा जो हम लोग का को फाउंडर है, उन्होंने वो नेपाल से है, तो वो काफी वो जिस जगह में रहते हैं वो काफी रूरल एरिया है, तो वहाँ पे खेती वगैरह काफी होता है। तो उनका ये मतलब छोटे से उनका ये उनको देखने को मिला कि पानी तो वहाँ पे है, नदी है, धारा है, मगर लोग इस्तेमाल नहीं करते कर पाते उस पानी को, एग्रीकल्चर के लिए हो या घर में डोमेस्टिक यूजेस के लिए हो। तो उन्होंने उनका मास्टर्स के टाइम में थीसिस में ये प्रोजेक्ट लिया उन लोगों ने। तो और दे ट्राई, तो उन लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की ये प्रॉब्लम वाटर स्कैरसिटी की। और इवेंचुअली उन्होंने एक डीआरई अप्लायंस बनाया उसमें से, जिसे हम वर्षा पंप बोलते हैं। अभी ये कमर्शियली ऑलरेडी लॉन्च हो गया है काफी सारे कंट्री में, इंडिया में भी हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेशन फेज में हैं। हाँ, तो 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई, मगर ये आइडियोलॉजी और जो विजन है वो उससे 2-3 साल पहले जब वो लोग कॉलेज में थे तभी से शुरू हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कॉलेज से एक स्टार्टअप और एक कंपनी शुरू हुई है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अभी 3-4 साल से, जब से आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आपने इन सालों में कुछ सफलता की कहानियाँ देखी होंगी आपके काम में, तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो इंडिया में हमारी, जैसे आपने बोला, सफर शुरू हुआ 2018 के अंत में। तो अभी तकरीबन 2 साल हम लोग ऑपरेशंस में हैं। देखिए, पहले तो ऐसा होता है कि आप जब देश में ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक नया टेक्नोलॉजी वर्षा पंप का जैसा, एक डेमोन्स्ट्रेशन फेज होता है। तो बिफोर रिलीजिंग उनको, मतलब पॉपुलेशन के आगे रिलीज करने, कमर्शियली रिलीज करने के पहले डेमोन्स्ट्रेशन फेज होती है। तो अभी इंडिया में तो हम लोग की डेमोन्स्ट्रेशन फेज में ही हम लोग है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जो स्टेक होल्डर्स है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनके साथ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, एक दो डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स भी है, पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए हैं हम लोग ने, मगर कमर्शियली अभी तक इन एग्रीकल्चर उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है। 2020 की अप्रैल मार्च अप्रैल के महीने में हम लोग का प्लान था डिप्लॉय करने को फील्ड में, मगर कोविड और लॉकडाउन के वजह से अभी थोड़ा डिले हो गया है। वी आर इन द प्रोसेस, हम लोग अभी भी उसी का प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के प्रोसेस में है, मगर जल्द से जल्द वो होगा।
लेकिन आप जो बोल रहे सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आपको इंडिया में, बिकॉज वी आर अभी भी हम लोग डेमोंस्ट्रेशन फेज में है, कमर्शियली लॉन्च नहीं किया है इन द फील्ड, सो सक्सेस स्टोरीज आपको देने के लिए अभी है नहीं, मगर हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं दूसरे का देशों में जहां पे हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। तो नेपाल में मैंने जैसे आपको बोला, नेपाल में 2015 से ही, 2014-15 से ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो काफी सक्सेसफुली रन हो गया है नेपाल में। पहले तो जैसे इंडिया में ऑपरेशन चल रहा था, पहले डेमोन्स्ट्रेशन फेज था, 3-4 पंप एज अ पायलट प्रोजेक्ट लगाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स करते थे, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके साथ सिनर्जी बनाते थे, थोड़ा ट्राइंग टू नेटवर्क, उनको समझाने की कोशिश की ये नया टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज हो सकता है और कैसे फायदेमंद हो सकता है फार्मर्स के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन फेज में नेपाल में काफी सारे साइट्स हम लोग ने चुने और उनमें इम्प्लीमेंट भी किए। उसके बाद देखा गया कि ये टेक्नोलॉजी, और आपको समझना होगा नेपाल और इंडिया की जो हम लोग अभी फोकस रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन, टोपोग्राफी नेपाल और इन एरियाज के काफी सेम है। तो वहां पे जो आउटपुट मिला है या वहां पे जो हम लोग ने परफॉर्मेंस देखी है, तो हम लोग का यहाँ इंडिया में भी वही परफॉर्मेंस, लगभग तकरीबन एक ही टाइप का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो नेपाल को एक अच्छा एग्जाम्पल रखते हुए, वहां पे अभी कह सकते हैं कि ये काफी अच्छा सक्सेस हुआ है। पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन फेज में था, अभी जब कमर्शियली लॉन्च हो गया है तो वर्षा पंप नेपाल के सब्सिडीज लिस्ट में भी इंक्लूड हो गए। तो अभी गवर्नमेंट जो रिन्यूएबल, जो हम लोग के देश में भी है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे सब्सिडी, तो नेपाल में ये ऑलरेडी हम लोग ने अचीव कर लिया है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं इसमें, 85-90% सब्सिडी मिलता है, जिससे स्मॉल होल्डर फार्मर्स को ये खरीदने में काफी सहायता मिलती है। और उसी के वजह से अभी नेपाल में लार्ज नंबर्स में इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, 50 पंप, 100 पंप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो वर्षा पंप एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो लार्ज नंबर्स में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंसिडरेबल चेंज होगा। इन स्मॉल नंबर्स एज अ डेमोन्स्ट्रेटर तो इसका एक फायदा है ही, लोगों को पहुंचाने को, लोगों को समझाने को कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या है, मगर ये देखने के लिए कि फार्मर्स का इनकम बढ़ता है या एक पॉपुलेशन का बेनिफिट हो रहा है, तो इसको उसके लिए लार्ज नंबर्स में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो फ्रॉम अदर कंट्री, जो अलग देश में चल रहा है अभी तक, आपको बता दें कि नेपाल में है हम लोग का ऑपरेशंस, अफ्रीका में मलावी में है, साउथ अमेरिका में कोलंबिया में है, एशियन रीजन में नेपाल, इंडिया से पहले नेपाल, उसके बाद इंडोनेशिया में है, और यूरोप में स्पेन और नेदरलैंड्स में है। तो देखा जाए तो इंडिया हम लोग का लास्ट लॉन्च प्रोग्राम था, तो इंडिया के पहले, बाकी सारे देश में इंडिया से पहले लॉन्च हो गया है। तो रिजल्ट्स और जो फीडबैक मिला है वो काफी पॉजिटिव रहा है। लोग भी चाहते हैं कि ऐसा एक टेक्नोलॉजी आए जो बिना ईंधन, जैसे हम लोग प्रमोट करते हैं जीरो फ्यूल जीरो एमिशन, मतलब कोई ईंधन नहीं चाहिए और इसके वजह से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी अभी अवेयरनेस भी हुआ है लोगों के बीच ग्लोबली कि टाइम आ गया है कि हम लोग स्विच करें रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली हम लोग ने काफी अच्छा फीडबैक, हमको काफी अच्छा फीडबैक मिला है और इम्प्लीमेंट भी हुआ है लार्ज नंबर्स में। देखने को मिला है कि जहां जहां इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 2-3 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि स्पेशली अगर आप एशियन रीजन की बात करें तो एशिया में हम लोग का एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है, तो जब भी बारिश होती है खेती होता है, उसके बाद सिंचाई फसल वगैरह उसके बाद निकलता है। लेकिन वर्षा पंप जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करें तो वो मानसून पर डिपेंडेंसी का वहाँ पे वो निगेट हो जाता है, क्योंकि मानसून पर डिपेंडेंट होना ही जरूरत नहीं है, बारिश का पानी आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप धारा या नदी के पानी इस्तेमाल कर रहे। तो जहाँ एक हार्वेस्ट हुआ करता था या दो हार्वेस्ट हुआ करता था, अभी वहाँ फार्मर 3 या 4 हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी फायदेमंद रहेगा जब लार्ज नंबर्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। अभी फ्यूचर में प्लान है, आने वाले 1 साल 1.5 साल में हम लोग का काफी सारे प्लान है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हम लोग ने पार्टनरशिप बनाया है एनजीओस के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ। तो आगे जाके देखने को मिलेगा हम लोग को अच्छा सक्सेस स्टोरीज, होपफुली इंडिया में हम लोग इसके बारे में पॉजिटिव है। और देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बोला, ग्लोबली जो रिजल्ट है
correspondingly similar results हमको इंडिया में भी मिलेंगे. जी बेस्ट ऑफ लक आपके इंडिया के लॉन्च और आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अब तक इस डीआरई क्षेत्र से जिसमें आप काम कर रहे हैं उससे क्या सीखे हैं? हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हम लोग ने इंडिया में देखिए, जैसे मैंने आपको पहले पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि ग्लोबली सक्सेस रह चुका है, मगर हर देश का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग सिनेरियो होता है. तो इंडिया स्पेसिफिक सिनेरियो में अभी हम लोग ने एक चीज सीखा कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है इंडिया में, फाइनेंशियल कैपिटल उनके पास इतना है नहीं कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट कर सके खुद. तो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी आता है आगे फ्यूचर में, अगर हम लोग को मिलता है गवर्नमेंट का सब्सिडी, तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. वैसे हम लोग का टारगेट पॉपुलेशन है ही स्मॉल होल्डर फार्मर, जो बेस ऑफ पॉपुलेशन, बेस ऑफ पिरामिड पॉपुलेशन जिसे कहते हैं हम लोग. तो वी आर टारगेटिंग, हम लोग उन्हीं फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं. हम लोग को ये देखने को मिला कि सिर्फ वर्षा पंप एज अ इरिगेशन टूल देने से ज्यादा उनको, वो लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग ये हाइड्रो पंप प्लेस करते हैं वहां पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके साथ एलाइड इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सर्विसेज है, जैसे ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए कम सही मात्रा में, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हो, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, नॉट जस्ट यही नहीं चाहते कि बस पंप दे दें और भूल जाए उसके बाद, क्योंकि पानी तो सिर्फ पानी मिलने से नहीं होता, पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है. तो हम लोग ये देखे हैं कि फार्मर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आपको ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे आपकी, ताकि आप नए टेक्नोलॉजीज को यूज करना सीखें, कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े. तो सिर्फ अप्लायंस या सिर्फ टूल देने से नहीं होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होगा फार्मर्स का और फार्मिंग एरिया का, जिसमें आप लैंड को भी डेवलप कर रहे हैं अच्छा वाटर सोर्स से, नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजर्स और सीड से, और फाइनली आप फार्मर्स को ट्रेन करते हैं. सो इट्स ये एक होलिस्टिक ट्रेनिंग सर्विस है हम लोग की, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे इरिगेशन फैसिलिटी, प्लस आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि आपका लैंड ज्यादा फर्टाइल हो, उसके भी ट्रेनिंग हम देते हैं. और हम लोग अभी उसी दिशा में देख रहे हैं कि जब तक हमें सब्सिडीज ना मिले जिससे सिंगल स्मॉल होल्डर फार्मर्स कैन वो खुद खरीद सके, तब तक हमें ऐसे ही फोकस करना होगा कि एटलीस्ट इन द रीजन जहाँ पे हम लोग ने अभी जो हमारे फोकस के अंदर है, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन, तो फार्मर्स यहाँ पे थोड़ा अभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं जैसे सेंट्रल प्लेन्स में या आप वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें. तो फार्मर्स के पास कैपिटल है, उन लोग के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए. नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है, अभी भी काफी पीछे है फार्मर्स. तो इसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करना चाहते हैं कि सिर्फ पानी और इरिगेशन नहीं, बट एक होलिस्टिक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द फार्मिंग एरिया, जिसमें फार्मर्स का भी ट्रेनिंग हो. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी देशों में ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट किया है, ये प्राइमरी हम लोग का फोकस नहीं था, मगर अभी इंडिया में आके समझने को आया है कि यहाँ पे थोड़ा अलग है. अगर आप सबको इन्वॉल्व करना चाहेंगे आपका अम्ब्रेला के अंदर, तो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना होगा आपका सर्विसेस. तो इसी तरह से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, कीपिंग दिस इन माइंड. काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये कि सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो फार्मर को रिक्वायर मतलब जो ज़रूरी है वो सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भविष्य में आप इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आते हुए देखते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कुछ देर पहले, ये आने वाला नहीं, अभी ये हो चुका है कि लोग चाहते हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में स्विच करने को. जो फार्मर्स है जो काफी ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, उनको भी ये पता लग चुका है कि पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, चाहे आप एग्रीकल्चर में हो या आप इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर पर्यावरण के बारे में सोचना होगा. तो ये हम लोग एक मेजर शिफ्ट देख रहे हैं दूसरे देशों में. इंडिया में अभी तक
इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा करके शिफ्ट नहीं हुआ है। सर्टेन पॉकेट्स में फार्मर्स शिफ्ट कर रहे हैं, लोग विलेज के लोग जो गांव में रहते हैं, सिर्फ रूरल नहीं, सिर्फ अर्बन नहीं, रूरल एरियाज में भी देखने को मिला है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल्स तक। और ये हमारे कंपनी के लिए तो अच्छा है, पर ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए, पर्यावरण सबके लिए ये एक एडवांटेज का एक एक, एक, एक सहायता का चीज है। तो ये तो देखने को मिलेगा आगे 1-2 साल 3-4 साल में, अगर आप जैसे हम लोग का गवर्नमेंट रखते हैं 5 साल का प्लान, तो अगले 5 साल में काफी शिफ्ट होगा फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल्स टू रिन्यूएबल। यानी कि हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में डीजल पावर्ड पंप्स से हाइड्रो पावर्ड पंप्स, नहीं तो सोलर पावर्ड पंप्स। और यहाँ पे हम लोग वर्षा पंप को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि ऑल्दो सोलर पावर भी रिन्यूएबल ही टेक्नोलॉजी है, बट सोलर पावर पंप्स का वो आउटपुट और वो अभी मैं आपको हिंदी में वर्सेटिलिटी नहीं है जो एक वर्षा पंप की है। वर्षा पंप 2400 घंटे चलेगी, बारिश हो या धूप हो या रात हो या शाम हो, ये चलते रहेगी 24/7 365 डेज अ ईयर। अगर आपका नदी या धारा ऐसा है कि वो 6 महीना चले या 4 महीना चले, तब बात अलग है, मगर ज्यादातर नदियां और धाराएं हम लोग के देश में पूरा साल भर चलती है। तो सोलर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सोलर आपका सिर्फ जब तक धूप है तब तक परफॉर्मेंस देगी आपको, उसके बाद आपको इवेंचुअली डीजल पंप में स्विच करना ही होगा। मगर वर्षा पंप के साथ ये एक टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन है, जहाँ पे हमें किसी और तरह की एटलीस्ट पानी को पहुंचाने में एक जगह में या इरिगेशन पहुंचाने में किसी और एनर्जी या और एक अप्लायंस का जरूरत नहीं है। ये एक टोटल इरिगेशन सॉल्यूशन है जो हम चाहते हैं कि इस देश में चले और लोगों को सहायता मिले उससे। तो मेरे पास आपके लिए इतने ही सवाल थे। धन्यवाद राहुल जी आपके समय के लिए, और मैं आप हमारे दर्शकों से भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये पॉडकास्ट देखा। जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है, प्लीज आप हमारे वेबसाइट चेकआउट करें, आपको अच्छा से पता होगा कि कहाँ कहाँ हम अपना टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करें और कैसे इससे सहायता मिल सकती है। थैंक यू।